तो सर आप थिएटर से काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे हैं और आपने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तो सर उन दिनों के सौरभ शुक्ला को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरे ख्याल से अगर आप अपने आप को बहुत ख़ास मानते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ख़ास मानते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो और नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद आप अपने आप को देख पाते हो प्रेजेंट में, पास्ट में। मैं कभी नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई मेरा भी एक काम है। तो जैसे डॉक्टर का काम मेडिकल साइंस है, या इंजीनियर का काम पुल बनाना या घर बनाना है, उसी तरह से एक्टर्स का काम या आर्टिस्ट का काम इज टू प्रैक्टिस आर्ट एंड ब्रिंग इट टू द ऑडियंस। सो मुझसे ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता कि पहले आप अपने आप को कैसे देखते हो। ना मैं पहले अपने आप को देखता था, ना मैं आज अपने आप को देखता हूँ। मैं पहले भी एक आम लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, कुछ पड़ाव रहे जीवन में। मैंने फैसला किया कि मैं आर्ट की फील्ड में आऊँगा, एंड बाय देन आई वाज इन कॉलेज आई डिसाइडेड एंड आई वाज श्योर अबाउट दैट आई वांटेड टू कम इनटू द परफॉर्मिंग आर्ट्स विच इज़ थिएटर। राइटिंग भी करने लगा था मैं, लेकिन राइटिंग भी मैं थिएटर से संबंधित राइटिंग करता था। और उसके बाद मैं थिएटर करता रहा। लोग पूछते हैं कि आप क्या थिएटर के प्यार की वजह से करते थे? ऐसा नहीं होता है। प्यार एक अजीब सी चीज़ होती है, जिसको जब अगर आपने डिफाइन कर लिया तो फिर वो प्यार नहीं रहता है। तो उसी तरीके से थिएटर जब मैंने किया, क्यों किया, उसका रीज़न मुझे नहीं पता था। बस ये था कि मुझे लगता था कि बस यही वो जगह है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, यही वो दुनिया है जिसमें मैं जीना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस वैसे ही सफ़र चलता रहा, चीज़ें होती रहीं। पहले थिएटर चलता रहा, फिर शेखर कपूर आए, फिर उन्होंने बॉम्बे बुलाया, फिर फिल्मों का सफर शुरू हुआ। थिएटर अब भी चल रहा है, फिल्में अब भी चल रही हैं, सब चल ही रहा है। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।